कंडाघाट में आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में उपमंडलाधिकारी विकास सूद बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर सत्यव्रत शर्मा नायब तहसीलदार, कमांडेंट होमगार्ड पुलिस विभाग एवं एरिफ कंपनी के अधिकारियों ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस मॉक ड्रिल के दौरान कर्मचारियों को आपदा से निपटने के आवश्यक टिप्स भी दिए गए। आपदा से निपटने के गुर होमगार्ड के जवानों और फोर लेन निर्माण में जुटी एरिफ कंपनी के कर्मचारियों द्वारा सिखाए गए। आपको बता दें कि इस मॉक ड्रिल में उन औजारों का भी उपयोग किया गया जो कार्यालय में मौजूद थे। तहसीलदार कंडाघाट अमन कुमार राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें आपदा के समय में जान माल के नुकसान को किस तरह कम किया जा सके, इस बारे में लोगों को बताया गया। मॉक ड्रिल के दौरान होमगार्ड एरिफ कंपनी के अधिकारियों द्वारा विभागीय कर्मचारियों को महत्वपूर्ण जानकारियां भी उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने बताया कि कार्यालय में मौजूद औजारों का भी किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों ने भी बेहद उत्साह के साथ जानकारी हासिल की है। आज हमने तहसील कार्यालय में जो हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कार्यालय में जो सामान पड़ा है डिजास्टर के संबंध में, उसके लिए एक हाउ टू यूज़ एक ड्रिल रखी थी, जिसमें जो है हमने कमांडेंट होमगार्ड 11 वाहनी सपरून सोलन के सहयोग से इसे आज किया है। इसमें लोकल पुलिस, रेवेन्यू का हमारा ऑफिस का स्टाफ और रेवेन्यू का फील्ड का स्टाफ, इसमें हमने अपना हमारे पास जितना भी सामान है उसको आज चला कर देखा है कि वो चल रहा है, किस कंडीशन में है। और इसके अलावा हर एक सामान की कुछ एक दो दो अपने भी अपने दफ्तर के और फील्ड के जो हमारा स्टाफ है उसको एक हैंड्स ऑन की ट्रेनिंग भी कराई है। इसके लिए मैं इनका, कमांडेंट होमगार्ड का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने एक शॉर्ट नोटिस में हमारे यहाँ यह आयोजन को सफल बनाने में सहायता की।